ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो भाई लोगों, आज है संडे और आपको पता है संडे का दिन जो है थोड़ा सा रिलैक्स करने वाला होता है, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड में, इंडिया में, आपको पता है सारे दिन जो है लोगों के लिए रिलैक्स करने वाले बने हुए हैं। हाँ, अभी अनलॉक हुआ तो उसकी वजह से लोग थोड़ा बहुत बाहर जा रहे हैं, लेकिन संडे का दिन फिर भी मजे का होता है। और मुझे लगा कि आज के दिन क्यों ना आपके साथ में इंटरेक्शन कर लिया जाए। और आपको पता है कि मैं जो है कम्युनिटी टैब के अंदर पोस्ट डालता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कुछ यूनिक से, इंटरेस्टिंग से, जिसका मैं मसाला लगाकर आंसर करता हूँ। और मैंने पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि काफ़ी सारे लोगों को जो है पोस्ट दिखती नहीं है, तो मैंने इस बार इंस्टाग्राम के ऊपर से भी क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो करते हो तो आपने वहाँ पर जरूर क्वेश्चन पूछा होगा। और ये बता दूँ कि इंस्टाग्राम पर इतने ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो अगर आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछते हो तो आपका जो आंसर है वो हो सकता है उसके पिक होने के ज़्यादा चांस हो। तो ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट करूँगा नहीं, सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेंगी, और आप लोग बिल्कुल ही नहीं होने वाले हो। और गाइस, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है महेंद्र साहू का। ये पूछते हैं कि WWE फ्यूचर में अपना शो बंद करेगी अगर ये कोरोना वायरस कंट्रोल नहीं हुआ। और मैं इसके साथ ही एक दूसरा क्वेश्चन लेना चाहूंगा जो कि पूछा है किसने पूछा यार, सॉरी यार आपका नाम तो नहीं दिख रहा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बड़े स्टार को कोरोना हो जाए जैसे कि ड्रू मैकइंटायर, तो भी क्या WWE चालू रहेगी? सॉरी यार, मैंने जब स्क्रीनशॉट लिया तो आपका यहाँ पे नाम नहीं आ पाया। तो यार देखो, ये दो क्वेश्चन मैं साथ में इसलिए आंसर कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है सिचुएशन इस समय कैसी चल रही है। मतलब WWE को देखकर तो अभी ये लगता है ना कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि क्या चल रहा है वर्ल्ड में, मतलब हमको बस शो चलाना है। और गाइस, रेसलमेनिया से पहले मैंने आपसे कहा था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि WWE अपने शो बंद कर देगी। मैंने ये सोचा था कि कोई जो दिमाग वाला बंदा होगा वो यही चीज़ करेगा, क्योंकि भाई वो सेलिब्रिटी होते हैं, उनके पास इतना पैसा है ना कि अगर वो रूम से टॉयलेट भी जाए ना तो भी वो चाह सकते हैं कि अपने नौकर रखे जो हमको छोड़ के जाए। इतनी ज़्यादा वो सुख सुविधाओं से भर रहते हैं, इतनी लग्जरियस वो अपनी लाइफ बना सकते हैं। लेकिन हम लोग जो कि हमारे तो भाई कोई औकात नहीं है, हम भी बाहर जाने में डर रहे हैं कि यार वहां से सामान लें, कहीं सामान के थ्रू हमको कोरोना ना हो जाए, लेकिन इनके साथ इनको ऐसा झेलना पड़ा है। तो यार आप लोग समझ नहीं सकते ये बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ समय क्या चल रहा है। और मेरे को अब बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये जो चल रहा है वर्ल्ड में, या फिर कितने ही केसेस बढ़ जाएं, किसी बड़े स्टार को भी हो जाए तो भी विंस मैकमैन रुकने वाले हैं, ये हार्श रियलिटी है। बाकी आपको आई बटन पर ऊपर नीचे कहीं तो दिख जाएगी सॉरी विंस मैकमैन वाली वीडियो, मैंने उसमें अच्छे से और बताया हुआ है, आप लोग उसे जाकर भी देख सकते हो। वीडियो की शुरुआत मैंने थोड़े सीरियस वाले क्वेश्चन के साथ कर दी, लेकिन आगे कुछ एंटरटेनिंग स्टफ है। और गाइस, जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रतीक कौरे पूछते हैं, सेथ रॉलिंस हैज वॉन मैनी चैंपियनशिप्स इन WWE एंड ऑल्सो हेल्ड ड्यूअल चैंपियनशिप्स, बट वाई नॉट रोमन रेंस? अब गाइस, ये वाला क्वेश्चन आप लोग पूछते हो लेकिन ये बहुत स्टूपिड टाइप का मुझे लगता है। अब ऐसे तो देखो, रोमन रेंस भी है, उन्होंने इतने साल लगातार रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया हुआ है। अब ये क्वेश्चन तो सेथ रॉलिंस के लिए बन सकता है कि भाई वो बंदा तो ड्यूअल चैंपियन है, उसने आज तक मेन इवेंट क्यों नहीं किया? तो भाई कोई चीज़ किसी के लिए, कोई चीज़ किसी के लिए, ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से रोमन रेंस कमजोर लगेंगे सेथ रॉलिंस के सामने। हर सुपरस्टार को बुक करने का तरीका होता है, ये थोड़ी कि उसको भी ड्यूअल चैंपियन बनाया तो उसको भी बना दिया। तो ये बहुत ही वैलिड सा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोग पूछते ज्यादा तो मैंने इसलिए आज इस वीडियो में इसको जो है फीचर कर दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अमन सिंह का, साले कमीने रिप्लाई तो करता नहीं है, मार मार के लाल कर दूंगा। अब ये वाला जब क्वेश्चन मेरे को आया, सच बता रहा हूँ, अभी तो मैं हंस रहा हूँ और उस समय मैं इससे ज़्यादा और भी हंसा था कि भाई बंदा मेरे को मार मार के लाल कर देगा, गुस्सा जायज़ है भाई देखो। लेकिन यार आपको पता है ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम से भी क्वेश्चन पिक किए हैं, तो आप चाहो तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, लेकिन यार सही लगता है थोड़ा, मतलब वहाँ पर भी आप लोगों के साथ बातचीत हो जाती है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है लक्ष्य का, भाई रोस्ट करण जौहर पे प्लीज़। अब देखो, आप हर वीडियो के अंदर कहते हो कि अपना हील टर्न कर, इसको ऐसे आंसर कर, इस वाले क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हील टर्न जरूर बनता है। अब भाई देखो, दुनिया में कोई भी चीज़ हो जाए, चाहे कोई बंदा सुसाइड करे, चाहे नेपोटिज्म की बात हो, चाहे मोदी ने कुछ कर दिया, हर बंदे को उस पर अपना ज्ञान पेलना है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी बंदे को सारे फील्ड के बारे में इंटरेस्ट है? मतलब इस बंदे को इसका भी पता है, चलो किसी बंदे को टेक का पता है तो फिर वो टेक की बात करे, किसी बंदे को पता है कि स्पेस से रिलेटेड क्या चल रहा है वो उसकी बात करे, किसी को साइंस का पता है उसकी बात करे। भाई सोशल मीडिया पर इतने महानुभाव लोग बैठे हुए हैं ना, हर चीज़ के बारे में उनको ज्ञान पेलना है। और इसी से जो है लोग टॉक्सिक होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये लोग तो बेकार हैं ही करण जौहर सब वाले। और जहां तक नेपोटिज्म की बात रही, भाई ये सब आप ही लोगों की वजह से हो रहा है। पहले खुद ही उन स्टार किड्स को आप लोग जो है बड़ा बनाओगे, फिर कहोगे हमने मूवी देख ली, फिर बोलेंगे कि अरे इनको क्यों आप लोग आगे बढ़ा रहे हो, क्यों नए टैलेंट को नहीं बढ़ा रहे हो? तो ये बहुत ही स्टूपिड लोगों का क्या है भाई, थॉट प्रोसेस क्या चलती है? पहले तो खुद ही उस मुद्दे को लेकर सपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद जब कुछ हो जाएगा तो बोलेंगे नहीं नहीं भाई ये तो गलत होना चाहिए था। ऐसे लोगों से इंटरनेट को मुझे लगता है कि छुटकारा पाने की जरूरत है। और ये चीज़ बहुत जल्दी अगर खत्म नहीं हुई तो यार सोशल मीडिया बिल्कुल कचरा होने वाला है। जितना हमको लगता है कि ये बढ़िया है, लोग उससे जो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, भाई कुछ नहीं रखा इसमें, सब बकवास हो जाएगा। यहाँ पे दिमाग खराब है यार। अगला क्वेश्चन है अरबाज का, रोमन रेंस चैंपियनशिप बेल्ट अपने वेस्ट पर क्यों नहीं पहनते, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। मैं हर बार पूछता हूँ, अरे भाई उसके यहाँ दाद खाद खुजली है इसलिए नहीं पहनता हो। अब भाई उसका स्टाइल है वो कंधे पे लेकर चल रहा है, अब कंधे पे लेकर चले तो भाई कंधे पे क्यों रखता है, यहाँ पर पहन ली तो यहाँ पर क्यों पहनता है? मतलब क्या भाई ये क्या क्वेश्चन है? मैं पूछ रहा हूँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछो, और ये आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिल रहा है? सीरियसली? शांति।
अगला क्वेश्चन है इंस्टाग्राम से। यार मैंने गलत तरीके से लग रहा है, मेरे को स्क्रीनशॉट ले लिया, आपका फिर से नाम नहीं है तो सॉरी उसके लिए। लेकिन क्वेश्चन है, ये डेव मेल्जर या फिर जो अदर रेसलिंग के इंसाइडर्स होते हैं, इनके स्पॉयलर्स या फिर बैकस्टेज कहां से पता चलता है? तो गाइस देखो, सिंपल सी चीज है, इनके अपने अपने कुछ बहुत ही क्लोज बंदे होते हैं जो कि WWE के साथ काम कर रहे होते हैं। अभी तो पैंडेमिक वाली सिचुएशन है, बंदे लिमिटेड है, लेकिन वैसे इनके बंदे होते ही है बैकस्टेज। तो वहां पर जो भी चीज चल रही होती है उसके बारे में हर जगह बात हो रही होती है, तो वो चीजें जो है पहले से लीक हो जाती हैं। तो यही एक तरीका है जहां से सारे इंसाइडर्स जो है लीक करते हैं चीजों को, और उसके बाद मैं आप तक पहुंचाता हूं। और ये हैं, इसकी वजह से आपको लीक्स वगैरह मिलते हैं। बाकी तो वरना यही सीन होता है जैसे आज से बहुत पहले होता था कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है लीक्स जानने में। लेकिन आज के टाइम में WWE इन स्पॉयलर्स और लीक से बिल्कुल भी नहीं बच सकती, क्योंकि उनके खुद के बंदे ही इवन कभी कभी तो सुपरस्टार से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं ना चाहते हुए या फिर अनजाने में, और जो है लीक्स वगैरह फिर बाहर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेक्नो आबेद का योर फर्स्ट रेसलिंग मैच दैट यू एवर सीन। अब मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, या तो मैंने अंडरटेकर और रैंडी ऑर्टन का मैच देखा होगा या फिर कोई रॉयल रंबल मैच देखा होगा, क्योंकि मेरे को इतना पता है जब मैं शुरू में WWE देखता था, मेरे को लगता था कि अगर कोई बंदा रिंग से बाहर चला गया तो फिर वो मैच से गया, और शायद मैंने वो रॉयल रंबल देखी होगी पहली बार तो मुझे ऐसा लगा होगा। और रैंडी ऑर्टन और अंडरटेकर का नाम इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि मेरे को ये भी याद आता है कि मैंने पहला रेसलिंग मैच ये देखा था, तो मैं कंफ्यूज हूं बाकी इन दोनों में से कोई एक है। अब भाई इतने साल पुरानी बात है, तब तो मुझे अभी याद भी नहीं है उसका सही से। अगला क्वेश्चन है ऋषि का, और ये पूछते हैं जॉन मॉक्सली अभी भी रहने के साथ हैं एक घर में, तो क्या मॉक्सली फाइटर फेस्ट में रेसल करेंगे? तो भाई देखो, मैं आपको अपडेट भी देता हूं, सीन ये है कि मॉक्सली और रेनयंग हैं तो सेम घर में, लेकिन वो बहुत अलग अलग जगह पर रह रहे हैं। मतलब रहने इस तरफ और जो हमारे जॉन मॉक्सली हैं वो इस तरफ। और बात रही फाइटर फेस्ट में रेसल करने की, तो लगातार मॉक्सली जो है कोरोना के अपने टेस्ट करवा रहे हैं, और अभी तक तो भाई सारे कह सकते हैं भगवान की दुआ से नेगेटिव आ रहे हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव आता है तो भाई फिर रेसल करने का कोई चांस है नहीं। लेकिन AEW का ये भी प्लान है कि किसी एम्प्टी अरेना के अंदर वो ब्रायन केज और मॉक्सली का मैच करवाएंगे, उसको टेप कर लेंगे, और उसके बाद फाइटर फेस्ट के टाइम पर उसको वो एयर कर देंगे। तो कोशिशें तो भाई यहां पर पूरी हैं, लेकिन होप करो भाई जॉन मॉक्सली की जो हेल्थ है वो बनी रहे अच्छी, और उसके बाद भाई मैच भी आराम से हो जाएगा, यहां पर ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगला क्वेश्चन है दिलप्रीत सिंह का, Q&A, बेकी लिंच सेथ रॉलिंस के साथ कैसे फंस गए? भाई बहुत ही सिंपल सा आंसर है, वो गाना सुना नहीं आपने, मैं निकला गड्डी लेके एक मोड़ आया उत्थे दिल छोड़ आया, तो बस यही सीन हुआ सेथ रॉलिंस के साथ भी, याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन है MD फैजल का, और ये कहते हैं भाई आप WWE को इतने दिनों से फॉलो कर रहे हो, आपकी WWE से सबसे आपको WWE की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है जिसकी वजह से आप WWE को फॉलो कर रहे हो? आप देखो, सबसे पहले तो एंटरटेनमेंट है, रेसलिंग में इतने टाइम से देख रहा हूँ कि इसको मैं छोड़ नहीं सकता, और दूसरी बात यार आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, मतलब सच बता रहा हूँ बहुत मजा आता है जब भी कोई वीडियो पोस्ट करो, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि मुझे किसी दूसरे बंदे की जरूरत है, अपने फ्रेंड्स की जरूरत है कि मैं उनसे बात करूं, उनसे चैट करूं। अगर मैं कमेंट्स के साथ रिप्लाई कर दूं तो भाई मेरा पूरा दिन निकल जाएगा, तो ये मेरे को सबसे बेस्ट बात लगती है किसी भी एक यूट्यूबर के होने की, कि उसको कमेंट्स सुनने को मिलते हैं उसके बारे में या फिर जो भी उसने वीडियो बनाई है, तो ये मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगता है, और इसीलिए मैं इसको कभी छोड़ना भी नहीं चाहता। अगला क्वेश्चन है सुफियान का, और ये पूछते हैं क्या पॉसिबिलिटी है कि द ग्रेट खली AEW ज्वाइन कर सकते हैं? तो ग्रेट खली की AEW ज्वाइन करने की उतनी पॉसिबिलिटी है जितने कि अगर आप गुड़ खाओ और आपको उसका टेस्ट मीठा ना लगे, तो खट्टा लगे, चटपटा लगे, तो इतनी पॉसिबिलिटी है ग्रेट खली की। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे मेरे आंसर को। अगला क्वेश्चन है टाइसन खान का, और ये इंस्टाग्राम से है। यार ये बताओ कि वीडियो में आपको इतनी हंसी क्यों आती है? अब देखो, इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, सोचो मैं बिग शो और सेथ रॉलिंस का मैच कवर कर रहा हूं, तो ऐसे बता रहा हूं, बिग शो और सेथ रॉलिंस का मैच हुआ, बिग शो ने अपना नॉकआउट पंच मारा सेथ रॉलिंस को, सेथ रॉलिंस गिर गए, और पिनफॉल के सारे बिग शो इस मैच में जीत गए। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी दुख में बैठा हुआ हूँ, तो अगर मैं क्यों ना इस बात को हंस हंस के बताऊँ, तो यही एक रीज़न रहता है कि भाई थोड़ा सा खुश रहो, देखने वाले को भी लगे कि हाँ यार थोड़ा बंदा खुश है, उसको भी देखने में मज़ा आता है, हो सकता है थोड़ी सी पॉजिटिविटी उसकी लाइफ में भी आए, तो बस यही हंसने का रीज़न रहता है। बाकी पहले मैं जो वीडियो बनाता था थोड़ी सी न्यूट्रल होकर बनाता था, लेकिन हंस हंस के बनाओ यार, बंदा भी सामने वाला खुश हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हितू का, और ये इंस्टाग्राम से है। इन्होंने पूछा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप WWE में कभी वापस आएगी? तो यार आपको पता ही है, अभी से कुछ टाइम पहले WWE ने टाइटल का यूनिफिकेशन कर दिया, WWE चैंपियनशिप वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप दोनों को मिला दिया, और उसके बाद बनी न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। अब सवाल रही इस चैंपियनशिप को वापस लाने की, क्या ये आएगी? तो फिलहाल मैं नहीं देखना चाहता, जबकि ये वर्ल्ड मेरे को WWE के अंदर सबसे ज्यादा पसंद थी। रीजन ये है कि WWE को अभी करंट चैंपियंस को तो बुक करना आ नहीं रहा, तो एक और चैंपियनशिप ले आए तो भाई क्या फायदा? इससे बड़े मैं ये चाहूंगा कि WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप को मिला दो, एक चैंपियनशिप कर दो, और उसके बाद आपके पास जो है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप लाने का एक स्पॉट बचता है। ये चीज अगर WWE ने कर दी तो बहुत सारे यार फैंस खुश होंगे, क्योंकि वो चैंपियनशिप का डिजाइन ही इतना कमाल का, मतलब लगता है कि सच में वो चैंपियनशिप है, तो यार वो चैंपियनशिप आनी चाहिए। लेकिन उससे पहले WWE या फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप को मिला दो और फिर हैवीवेट चैंपियनशिप को वापस लाओ। मेरे को लगता है कि WWE की वो बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने उस चैंपियनशिप को मिला दिया और भाई उसको खत्म ही कर दिया। भाई कितने लेजेंड्स के कंधों पर वो रही है और आपने उसको ऐसे जो है गायब कर दिया। अगला क्वेश्चन है आयुष का, पूछते हैं ब्रॉक लेसनर ने पिछले 6 स्ट्रेट रेसलमेनिया सबरसलैम मेन इवेंट किया,
है क्या इस बार ये स्ट्रीक टूटेगी। वेल ये फैक्ट मुझे भी पता चला कि उन्होंने समर स्लैम को मेन इवेंट किया है, आपके कमेंट से पता चला अगर ये कमेंट सही है तो। हाँ ये तो पता है कि समर स्लैम में वो आते हैं, लेकिन हाँ मेन इवेंट किया है, ये स्ट्रीक है उनकी। देखो इस बार भी ब्रॉक लेसनर आएंगे क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया WWE किसी भी कीमत पर ब्रॉक लेसनर को वापस लाना चाहती है, रेटिंग्स उनको चाहिए, तो फिर तो भाई ये करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है देव पारिक का और इनका रैपिड फायर है, फैमिली वर्सेस फ्रेंड्स। तो यार मैं यहाँ पर फैमिली को ही लूंगा, शायद आप में से सारे लोग भी। लव वर्सेस मनी, अब लव अगर ये फैमिली वाला है तो अलग बात है, लेकिन अगर ये वो दो हंसों के जोड़ा वाले लव की बात है तो भाई वो वाला लव गया तेल लेने, यहाँ पर मैं मनी को ले लूंगा। वर्क वर्सेस नो वर्क, वर्क भाई बिना काम के कुछ चलता नहीं है। स्विच इन म्यूजिक वर्सेस क्लेमोर किक, स्विच इन म्यूजिक क्योंकि वो शॉन माइकल जो लेग स्लैप करते हैं उसके बाद जो चटकी आवाज आती है वो सुनने में बहुत मजा आता है। WWE वर्सेस WCW, WWE भाई ऑब्वियसली। लैशली का स्पीयर या फिर एज का स्पीयर, यहाँ पर मैं लैशली के स्पीयर के साथ जाना चाहूंगा, दोनों ही कमाल के अपने आप में। वो एज जिस तरीके से मारने के बाद उठते हैं वो बहुत कूल लगता है, और लैशली जिस तरीके से खुद ही रोल होते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को लैशली का यहाँ पर थोड़ा सा बेटर लगता है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये भी है इंस्टाग्राम से सिकंदर भाई साहब का, और ये पूछते हैं सेथ रॉलिंस की टीम में कभी सेथ को कोई धोखा देगा? तो यार देखो टीम है, फैक्शन है, टूट नहीं है, तो धोखा तो देने वाली सीन यहाँ पर होगी, लेकिन मेरे को ये लगता है कि कहीं सेथ रॉलिंस खुद ही अपनी टीम का कचरा ना कर दे, वो कहे मैं तो भाई इतना बड़ा मसाया हूँ कि अब मेरे को डिसाइपल की जरूरत नहीं है, वो अपने ही बंदों को तोड़ दे और उनकी टीम टूट जाए। क्योंकि अगर आप मर्फी और ऑस्टिन थ्योरी जो फिलहाल है, मेरे को नहीं लगता कि वो सेथ रॉलिंस के ऊपर कभी हावी हो सकते हैं, तो ये तरीका WWE का जरूर हो सकता है कि सेथ रॉलिंस खुद ही अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लें और खुद ही अपनी टीम को तोड़ लें। और गाइस आज इतने ही थे हमारे क्वेश्चंस, मैंने इंस्टाग्राम से भी लिए हैं, सॉरी यार मेरे को लाल मत करना अगर मैंने आपको क्वेश्चन नहीं लिया उस वाले बंदे की तरह। वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दो, और बाकी आगे भी वीडियोज आएंगे, अगर आपका क्वेश्चन अभी पिक नहीं हुआ तो आने वाली क्वेश्चन आंसर वीडियो के अंदर पिक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के हमारी वीडियो यहीं तक की थी, चैनल को गाइस आप लोग कर लो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें चैनल पर जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।